नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। क्या आप श्याम कला या कस्तूरी को जानते हैं? या अगर मैं ये बोलूं कि ये अभिनेता हैं, तो आप दिन में सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये श्याम कला और कस्तूरी कौन सी बला है। तो आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता दूं, श्याम कला 1996 में आई फिल्म मुकदमा के पात्र का नाम था, जिसे गुलशन ग्रोवर ने निभाया था। वहीं कस्तूरी का पात्र 1991 में आई फिल्म दो मतवाला में किरण कुमार ने निभाया था। 70 से 90 के दौर में ऐसे अनगिनत अभिनेता हुए जैसे प्राण, प्रेम चोपड़ा, रंजीत और शक्ति कपूर, जो रूपहले पर्दे पर बलात्कार के सीन को सजीव बना देते थे, जिन्हें हीरो का विरोधी या फिल्मी भाषा में विलेन कहा जाता है। हाट, मेलों और बाजारों में और यहाँ वहाँ दिखने वाले पोस्टरों के कोनों कोनों में जानबूझकर ऐसे दृश्य अवश्य लगाए जाते थे, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि इस फिल्म में बलात्कार का दृश्य भी है। हालांकि सिनेमा में मौजूद कुछ ऐसे दर्शक भी होते थे जिनकी सहानुभूति पीड़िता के चरित्र के साथ जुड़ी रहती थी। यह कहना मुश्किल है कि उस दौर के फिल्मकारों ने लोगों की इस मानसिकता को अच्छी तरह समझकर इस ट्रेंड को भुनाना शुरू कर दिया था, या फिल्मकारों द्वारा इस रूप में परोसे गए दृश्य की वजह से लोगों की रुचि और मानसिकता ऐसी बन गई थी। इन घटनाओं के वर्णन का उद्देश्य सिनेमा रूपी माध्यम को या समाज के किसी खास वर्ग को कोसना या उनका नकारात्मक चित्रण करना नहीं, क्योंकि आज हम उस दौर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इंटरनेट क्रांति और स्मार्टफोन ने पोर्न को सबके पास आसानी से पहुंचा दिया है। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि कभी फुटपाथ पर बिकने वाली अश्लील साहित्य से लेकर सीडी और सिनेमा के रास्ते आज हम यूट्यूब तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक समाज के रूप में हमारी यौन प्रवृत्तियाँ बद से बदतर होती चली गई हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम YouTube पर अंग्रेजी में रेप सीन लिखकर सर्च करें तो लाखों परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि लोग आज भी फिल्मों के उस विशेष हिस्से को बार बार देखना और दिखाना चाहते हैं जिनमें बलात्कार को फिल्माया गया होता है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि YouTube की तर्ज पर ही एक समानांतर पोर्न साइट को भी देखा जा सकता है, जिस पर बलात्कार से संबंधित पोर्न वीडियोज डाले जाते हैं। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन में यह पाया है कि हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार बार पढ़े, देखे या सुने जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारे मस्तिष्क पर ज़रूर पड़ता है। यह हमारे निर्णयों और कार्यों का स्वरूप भी तय करता है। इसलिए पोर्न या सिनेमा और अन्य डिजिटल माध्यमों से परोसे जाने वाले सॉफ्ट पोर्न का असर हमारे दिमाग पर होता ही है, और यह हमें यौन हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार और प्रेरित भी करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने आपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण में पाया है कि यौन हिंसा के 80% मामलों में वहां पोर्न की मौजूदगी देखी ही गई है। वहीं भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2013 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2012 में पूरे भारत में 24,923 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 24,470 मामलों में पीड़ितों का शोषण करने वालों में परिवार से जुड़े लोग शामिल थे। 2015 में NCRB के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले सामने आए हैं। दुनिया की कोई भी सरकार पोर्न साहित्य और सिनेमा को बैन करने में ना तो पूरी तरह सफल हो सकती है और ना ही बैन या सेंसरशिप इसका वास्तविक समाधान है। यह एक सभ्यतामूलक चुनौती है या पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में मानवीय मूल्यों के समावेश का उपक्रम है। यदि हम बलात्कार के आरोपितों की प्रोफाइलिंग की बात करें तो इनमें केवल गुंडे और असामाजिक तत्व ही शामिल नहीं है। संत, बाबा, पुलिसकर्मी, वकील, जज, मंत्री, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्मी एक्टर, निर्देशक, सामाजिक कार्यकर्ता और नामचीन पत्रकार ऐसी यौन हिंसा के आरोपी और सजा याफ्ता रहे हैं। निकट के परिजन, दोस्त, प्रेमी और जानकार से लेकर पिता, भाई और पति तक बलात्कार में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? क्या यह किसी खास आय वर्ग, आयु वर्ग, पेशा क्षेत्र या शिक्षित अशिक्षित होने तक सीमित है? नहीं, इसलिए इसे एक सभ्यतामूलक समस्या मानना ही ठीक रहेगा, तभी हम इसके समाधान की ओर सही दिशा में बढ़ सकेंगे। इसी सोच को लेकर ग्वालियर शहर के कला विथिका में एक नाटक के मंचन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नाटक के शीर्षक का नाम है रक्तगंध। रक्त का अर्थ खून और लहू है, तो गंध का पर्यायवाची सुगंध और दुर्गंध है। रक्त गंध नाटक के रचनाकार प्रमोद पाराशर हैं। उन्हें मीडिया में दिखाई जा रही घटनाओं में उन्नाव रेप केस के बाद की जांच और पड़तालों से अपने नए नाटक को समाज के समक्ष रखने के बारे में विचार आया। हमें रोज बलात्कार की घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन कोई इस विषय के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता।
इसलिए वह नाटक के माध्यम से लोगों को बलात्कार पीड़ितों के दर्द को समझाने के लिए नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। अपने नाटक के बारे में प्रमोद कहते हैं कि उनका नाटक बलात्कार से प्रेरित है, उस पर आधारित नहीं है। ग्वालियर के 5 से 6 ग्रुप्स के आर्टिस्ट इस नाटक में शामिल हैं और लगभग बैक स्टेज और ऑन स्टेज 50 से 55 कलाकार नाटक से जुड़े हुए हैं। वहीं नाटक से जुड़ी रुचि कलाकार के साथ साथ सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं। उनका मानना है कि रंगमंच के माध्यम से अगर हम अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो रंगमंच से अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। वह कहती हैं कि गांव के माहौल, अंधविश्वास और परिवार में ही घटने वाली ये घटनाएं रक्तगंध नाटक का हिस्सा हैं। वहीं एक अन्य कलाकार विमल वर्मा नेता के रूप में अभिनय करते नजर आएंगे। विमल रंगमंच को समाज का आईना समझते हैं। उनके मुताबिक बलात्कार एक सेंसिटिव मुद्दा है और एक वर्ग ने उसे डाइवर्ट करने का काम भी किया है। बुद्धिजीवी वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो। रक्तगंध नाटक का मंचन 23 सितंबर को जीवाजी यूनिवर्सिटी के गालफ सभागार में आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के कला वीथिका में। जी हां, मौका है, यहां पर एक नाटक का मंचन किया जा रहा है जिसकी तैयारी की जा रही है, जिसका नाम है रक्त गंध। जी हां, इसी के बारे में हम इस नाटक के डायरेक्टर से बात करते हैं और भी जो इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस नाटक से क्या संदेश देना चाहते हैं शहर के युवाओं को, लोगों को। मेरे साथ मौजूद है प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। थैंक यू सर। आखिरकार रक्त गंध ही क्यों, क्या रक्त गंध? एक्चुअली रक्त का मतलब होता है खून, ब्लड, लाल, और गंध का मतलब होता है खुशबू। तो ये नाटक जो है बलात्कार की, हमारे देश में जो आज घटना है, जो ट्रेंड चल रहा है कि रोज की हमें बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो बलात्कार में सबसे ज़्यादा जो मार्मिक या फिर दर्दनाक चीज़ होती है वो रक्त। हर लड़की का रक्त बहता है, उस रक्त की खुशबू आज हमारे चारों तरफ फैली है। उसको देखकर हमने सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखा है रक्त गंध। प्रमोद जी, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ में और कौन क्या किरदार निभाने वाला है? ये नाटक में ग्वालियर शहर के लगभग 5 से 6 समूह के आर्टिस्ट हैं और लगभग इसकी बैक स्टेज ऑन स्टेज मिला के कास्टिंग 50 से 55 मिला के, ऑन स्टेज बैक स्टेज दोनों मिला के कास्टिंग। और किरदार तो ये है कि हमने बहुत सारी कहानियाँ घटनाएँ ली हैं बलात्कार की, तो हमने मतलब प्रेरित, हमारी घटनाएँ जो हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं लेकिन आधारित नहीं है। तो बहुत सारी घटनाएँ हैं बलात्कार की, उसमें सब में रियल मतलब दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आर्टिस्ट बहुत सारी घटनाएं कर रहा है, तो हर एक घटना की अलग अलग कास्टिंग है, तो बहुत सारी घटनाएं उसके हिसाब से कास्टिंग है। आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं यदि होती हैं और आप लोगों को इस प्रकार के नाटकों की रिहर्सल भी करना होती है, बनाना भी पड़ती है, आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण आप बताना चाहेंगे? इसके पीछे का कारण, आप सबसे बड़ा कारण तो मीडिया, जैसे कि आज आप अखबार खोलिए, अखबार में आपको एवरी दिन रोज की 5 से 6 खबर रेप की मिल जाएगी और ये वो भी आपको लोकल की मिलेगी। अगर हम आज हमारे पास आंकड़ा है कि हर घंटे में 4 बलात्कार हो, लेकिन 4 तो हकीकत से ये आंकड़ा बहुत कम है, 4 से ज़्यादा बलात्कार हमारे यहाँ हर घंटे में होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, हमें नया नाटक तो करना ही था, लेकिन अखबार पढ़ रहे थे, नाटक का ऐसा कुछ सोचा नहीं था, और अखबार में देखा कि उन्नाव रेप केस जब उस समय पर चल रहा, तो हमने उसको देखा कि रेप की ऐसी घटनाएं देश में रोज हो रही है और हम केवल उसकी हेडिंग पढ़ते हैं और पेज पर रखते हैं। वैसे ध्यान गया उस पर, तो 3-4 पेपर और निकाले पहले के, उनमें देखा कि 5 से 6 घटनाएं रोज की आ रही हैं। एक महीने के पेपर निकाले, रोज की एवरेजन 5 से 6 घटनाएं आ रही हैं। तो हमें लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लोग बातें बहुत कम करना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा जो हमारे यहाँ रोज घटित हो रहा है लेकिन हम इस पर बात नहीं करना चाहते। तो दरअसल ये एक नाटक नहीं है, ये हम सबकी या आप सबकी बातें हैं जो हम आपस में करना चाहते हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम सब लोग अपनी बातें करें। आपके जो नाटक में जो किरदार निभा रहे हैं उनको क्या इस प्रकार के सब्जेक्ट से अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं क्या, या नहीं चलेगा? सबसे पहले हमने यही बात की थी कि कब तक हम लोग अनकम्फर्टेबल करते रहेंगे इस तरह के सब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम अनकम्फर्टेबल फील करेंगे तो हो सकता है अगला टारगेट हमें, मैं आज अपनी बहन या दोस्त किसी के साथ मार्केट में जाता हूँ तो बड़ा डर महसूस होता है, तो पता नहीं कहाँ 4 लोग खड़े हैं और हमें घिर लें, हम क्या करेंगे। तो अगर हमें उस डर को निकालना है तो हमें अनकंफर्टेबल जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपनी समाज की सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा और उसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी टेक्स्ट में इफेक्टिव नहीं होती जितनी वो विजुअली इफेक्टिव होती। तो हम उन्हीं घटनाओं को, कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियों को विजुअली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाटक के पीछे कितनी मेहनत होती है? मेहनत तो बहुत होती है,
लेकिन अब चूँकि हम इसी विधा से जुड़े हैं तो हमें वो मेहनत नहीं लगती, हमारे लिए तो हमारा जुनून है, मज़ा है, सब कुछ वही है, तो हमें तो मेहनत फील नहीं होती, लेकिन मेहनत बहुत होती है। एक जैसे आप डायरेक्टर तक यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल होता है, मैं मानता हूँ, कितना फीस है, कितना क्या पेशेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि 50 लोग हैं, 50 में से मतलब मैं कहना ही चाहूँ 50 में से कम 20 लोग नहीं आते, तो 20 के चक्कर में बहुत वेट करना पड़ता है। अगर अभी किसी को डांट दूँ तो हो सकता है सीन बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं, पेशेंस रखना ही पड़ता है, केवल डायरेक्टर को नहीं, डायरेक्टर को भी रखना पड़ता है, जो भी हर मेकअप आर्टिस्ट हो, सीन डिज़ाइनर हो, कोई भी, सबको पेशेंस को रखना ही पड़ता है, और ये केवल नाटक के लिए नहीं है, हमारी असल ज़िंदगी में भी पेशेंस को रखना पड़ता है। किस पर कौन सा किरदार अच्छा लगेगा, ये कैसे चयनित कर पाते हैं? ये चयनित करने के लिए सबसे पहले अगर हम आज का समय देखें तो मतलब सबसे पहले उसका लुक, जैसे हमने कोई कास्टिंग उठाई है, जैसे रेप अगर बूढ़ी औरत के साथ हो रहा है तो मतलब हम लोग ऐसी लड़की से तो नहीं कराएंगे, हाँ एक्टिंग के बलबूते पे हम करा लेंगे, लेकिन सबसे पहला हम लोग लुक देखते हैं कि लुक किसका मैच कर रहा है उस किरदार, उसके बाद उसकी एक्टिंग स्किल देखते हैं, वो अगर एक्टिंग स्किल उसकी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी करती है, तो उसके हिसाब से उसकी किरदार दिया जाता है। रुचि, आपका बहुत महत्वपूर्ण किरदार समाज में सकारात्मक संदेश देने का, कितनी हिम्मत आपके पास आई है इस किताब को लिखाने की, कहाँ से हिम्मत आई? जी, मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, और ये हिम्मत मैंने प्रमोद से इसलिए बोला इस किरदार के लिए कि मैं वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ पढ़ाने, मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि आजकल लोग भले ही इसके बारे में चुप के साथ जाते हैं कि मत बताना, शर्म है, हया है लोगों के बीच में, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ, घर की बहुओं के साथ, जाने अनजाने में, उनकी मर्जी से, उनकी गैर मर्जी से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं इस बारे में वाकई में समाज को कुछ कहना चाहती थी, बोलना चाहती थी। अब रंगमंच से अच्छा तो कोई माध्यम नहीं हो सकता, कि अगर आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो रंगमंच एक अच्छा सशक्त माध्यम है, इसलिए मैंने उसको चुना। हमारे गांव में ही एक बच्ची के साथ में उसके पिता ने ऐसा किया, और उसकी माँ पे हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस तक जा सके, और मैंने फिर उनको प्रेरित किया, उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, कब तक शर्म आप लेके चलोगे, आपकी दो बच्चियाँ हो रहे हैं, तो ये भी सयान नहीं हुई, उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, आप अपने पति को कब शराब पीता था, तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। और जैसा कि मेरा किरदार है इसमें जुड़ा हुआ, ये पूरी तरह से अंधविश्वासी लोगों पर है आधारित, प्लस एक रसूखदार जो लोग होते हैं, जो सरपंच का लड़का है रसूखदार है, तो उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा, सबको पता है वो लड़का कैसा है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ काम किया तो उल्टा दोषी महिला को ही दे रहे हैं, दोषी महिला को ही दे रहे हैं, और ऊपर से उसकी हद देखिए कि उसके बाद अंधविश्वास की ऐसी हद है कि उस लड़की को ही प्रताड़ना दी जा रही है बदले में, उसको सजा देने के बजाय वो बोलते हैं नहीं, पंचायत ही फैसला कर लेगी, बाहर तक नहीं बात जाने देना चाहते। आजकल जो माहौल बन रहा है, जैसा कि आप भी देख कर रहे हैं, हमारे मोदी की बात हुई है, इस प्रकार की घटनाक्रमों में यदि बढ़ोतरी हो रही है तो उसके पीछे क्या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं जानते, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, और चूंकि घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें लचर व्यवस्था है, अपनी शासन की भी कुछ कहेंगे कि कानून भी इतने सख्त नहीं है अभी, तो खास करके अब आप देखिए कोई बलात्कार करने वाला जो लड़का है उसकी उम्र कैसे डिफाइन करेंगे आप, निर्भया केस में ही देख लीजिए, कोई उम्र डिफाइन नहीं होती, लेकिन आप कानून ने कर रखी है कि भाई उसको नाबालिग के तौर पे ले लेते हैं, जबकि एक लड़के के अंदर अगर वो गलत, चाहे वो वीडियो देख के सीख रहा है, चाहे वो फिल्में देख के सीख रहा है, अगर वो गलत काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई माध्यम तो उसके पीछे है, और उसकी उम्र से लेना देना नहीं है, इस बात से लेना देना है कि उसकी मानसिकता कैसी है और वो कहाँ से आई। हमारा समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है पहली बात, और दूसरा ये है कि जिम्मेदार भी है, साथ में समाज में बहुत सी अभी भी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि वाकई उनके क्या हक क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है बच्चों के लिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं, मैं अभी उसी के बारे में ट्रेनिंग दे रही थी टीचर्स को, और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद हमने ये कहा कि आप इसको स्कूल तक पहुँचाइए, गुड टच बैड टच बच्चों को बताइए, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। अब आप देखिए टीचर भी जो जेंट्स टीचर है वो इतना खुद में शर्म महसूस कर रहा है कि वो बताना नहीं चाहता, पर इससे क्या समस्या हल हो जाएगी? अगर वो टीचर अपने स्कूल में बच्चे अपने बच्चे को नहीं बता पा रहा है तो अपने घर में कैसे बता पाएगा? ये
समझते केवल स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ी नहीं है, उसके खुद के बच्चे के लिए भी है। उसे अपने बच्चे से भी बात करना पड़ेगा, पिता को भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, इसीलिए ये हम रंगमंच के द्वारा दिखाना चाहते हैं। तो दर्शकों, इस नाटक में पार्टिसिपेट करने वाला एक और किरदार हमारे साथ में मौजूद है, हिमांशु जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हिमांशु जी, आखिरकार इस नाटक में आपका क्या रोल है और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा रोल एक पुलिस कमिश्नर का, मैं लोगों को तो नहीं, मैं बस सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि हमारे प्रशासन में भी कुछ लोग हैं जो उनको मतलब वो लेकिन नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन मैं तो सही नॉलेजेबल नहीं हूँ। अब उनकी थिंकिंग ऐसे कि सेक्स एजुकेशन ही देना चाहिए, बट सेक्स एजुकेशन तो इतनी अच्छी चीज़ कि सेक्स एजुकेशन से रेप पड़ रहा है और ऐसे कई मतलब उनकी मानसिकता बहुत लो है। हिमांशु जी, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शख्स हमारे साथ में मौजूद है दर्शकों, चलिए उनसे हम बात करते हैं। और मैम, आपका शुभनाम जानना चाहूँगा, उस नाटक में आपका क्या रोल है? मेरा नाम वाइफ बनी हुई, वो जो भी रियल प्रेरित है आधारित नहीं है। तो उस पर क्या क्या कोई लड़ाई झगड़ा है पारिवारिक इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि ये घटनाएं तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं? हाँ, तो वो भी इसी बेस्ड है। एक मैं वाइफ हूँ, एक हस्बैंड है मेरा, तो काफ़ी अच्छी हमारा स्टोरी है। एक जो घर में रहते हैं सब लड़का सब, तो मेरा हस्बैंड मुझे लेकर आता है, तो बीच में हम उस लड़के मिल जाते हैं, वो रेप कर देते हैं ना, वो सिर्फ रेप बेस्ड। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में, जैसे कि हमारे डायरेक्टर ने बताया अभी कि अगर हम खड़े नहीं होंगे, स्टार्ट हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। शुरुआत हम ही को करनी होगी, तो बस एक कोशिश है, इस कोशिश को हम कर रहे हैं। और विस्तार से तो कुछ नहीं बता सकते अभी हम, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं बतानी चाहिए, जो है करने पर ही अच्छी लगती है। तो बाकी तो मैं ज़्यादा दोस्तों, ये थी ज्योति जी, ये का एक और किरदार है इस नाटक के, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम और क्या रोल है आपका स्कूल नाटक में? मेरा नाम विमल वर्मा है। और जैसा हम लोग बहुत समय से जो रंगमंच है वो जानते हैं कि रंगमंच को समाज का आईना कहा है, और जो घटनाएं आज हमारे समाज में हो रही है, देश में हो रही हैं, हमने ये जो चार पांच कहानियों को एक सिंबल माना है कि घटनाएं तो बहुत सारी हज़ारों घटनाएं होती हैं, लेकिन हमने उनको सिंबल माना। जैसे आपने दिल्ली का निर्भया था, कांडयाल मौका, मुजफ्फरनगर का, उन्नाव का, जिसमें जिस जो लड़की न्याय के लिए लड़ रही थी उसका पूरा परिवार वो स्वयं भी ख़त्म हो गई, तो फिर न्याय अब किसको मिलेगा? तो मेरा जो किरदार है, मैं एज ए पॉलिटिशियन हूँ, हमारे पॉलिटिशियन में जितने भी लोग हैं सब ने बिना सोचे समझे ऐसे बयान दिए हैं जिनका उस घटना से कोई संबंध नहीं, एक मजाक बना के रख दिए। बलात्कार जैसा ये संदिग्ध जो अपराध है, सेंसिटिव मुद्दा है, आप उसको डाइवर्ट क्यों करते हैं? आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी सरकार अगर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे कानून बनाए, ऐसी न्यायिक व्यवस्था रखें कि हमें जो कल के दिन हमारी एक लड़की है उसे रात को 10 बजे अपने घर से बाहर निकलने में ये महसूस ना हो, ये डर ना हो कि कहीं मेरे साथ इस तरह की घटना ना हो जाए। तो काफ़ी नेता हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो कई पेपर हैं, कई ऐसे साइट हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी पार्टी के लिए, अपने हित के लिए, अपनी छवि के लिए उन्होंने बयान दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बयान आता है तो वो अपनी पार्टी से कंडक्ट करके, नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक छोटा सा मैं नाम नहीं दूंगा, कहा गया कि भाई 20 से 25 साल के जो लड़के होते हैं उनका मन बड़ा चंचल होता है और वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और कई बार ऐसी उत्तेजना में अगर बलात्कार की घटना कर देते हैं तो भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। इसीलिए हमने समाज का जो जिनके प्रशासन है, जैसे हमारे प्रशासन में उनकी जिम्मेदारी है, हमारे जो देश के राजनेता हैं जो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, तीसरा जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग चल रहा है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धर्म को कंडक्ट कर, तो जो हमारे बाबाओं पर भी कितने आप देख लीजिए, राम रहीम जी अंदर, आशाराम जी अंदर, रामपाल महाराज अंदर, अभी
बिल्कुल लेटेस्ट आया चिन्मय आनंद जी का, नित्यानंद जी की सीडी आई, तो आपको तो एक आइडल होना चाहिए। आप जब प्रवचन देते हैं तो आप युवाओं के एक आइडल बने। जब आपके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं की जाती हैं तो फिर अब बताइए समाज कैसे हो जाएगा। बस हमने इसी चीज़ को, प्रमोद ने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट उठाया है, और हमने मैंने पहले ही कहा कि जो रंगमंच है वो समाज का आईना है। हम केवल समाज के उन सभ्य लोगों को, उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा ही सभ्य मानते हैं और वो मानते हैं कि समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हम केवल इन घटनाओं के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे हिंदुस्तान में जो काफ़ी घटनाएं ना, हमारे देश की जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रहें। आप विमल जी, ये हुई थी नाटक की बात और दर्शकों, अब मैं आपसे थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, यदि कोई युवा हमारे इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, नाटक रंगमंच को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं, तो आखिरकार उनको किस प्रकार का जुनून चाहिए या फिर क्या स्किल्स होना चाहिए, उस बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात नाटक को जो नई युवा पीढ़ी है बड़ा आसानी से लेती है, जबकि ये बहुत ही साधना का माध्यम है, जिसमें आपको मतलब इंस्टेंट, आजकल की युवा पीढ़ी को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। उसका एक कारण है कि जो सिल्वर स्कीम का जो प्रभाव है वो तुरंत एक दो साल करते हैं, जबकि ये पूरा प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस पूरा चलता है। कुछ बच्चे बिल्कुल विधिवत शिक्षा लेते हैं तो, और ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसमें आपके कागज या डिग्री काम नहीं आती। तो उसमें अर्निंग्स के क्या संभावनाएँ आप नहीं, अर्निंग्स का तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसको प्रोफेशनली करते हैं तो फिर प्रोफेशनल तरीका अपनाएं। आप अगर शौकिया करते हैं तो अर्निंग्स की कोई इसमें कोई जवाबदारी नहीं है। NSD ज्वाइन करके लोग, उसका तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, उसमें ज्वाइनिंग करना, फिर सीखना, ट्रेनिंग वगैरह, फिर लगता है कहाँ से दे रहा है। देखिए, NSD की जहाँ तक बात है तो ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है NSD को। आप पूरे देश की लिमिटेड सीटें हैं वहाँ, तो सोचिए वहाँ का जब इंटरव्यू होता होगा तो कितना टफ इंटरव्यू है, कितने देश के दिग्गज लोग वहाँ आते हैं, फिर उनको वर्कशॉप के बाद उनका फाइनल इंटरव्यू होता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर आप अच्छा करते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो NSDNs हैं, अभी लेटेस्ट में अगर मैं उदाहरण दूँ तो आप नमाज सुन, वो जो है हमारे नसीर साहब हैं, ये सब NSD से ही पास आउट हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पीयूष मिश्रा जी हैं करते, आज वो इस्टेब्लिश हैं, आज वो अर्निंग भी कर रहे हैं और एक देश के लिए अच्छा नाम है। लेकिन उसके लिए मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप अगर चाहें कि एक नाटक करके आप रंगकर्मी बन गए, आप उससे कमा सकते हैं, कमाने की कोई इसमें आपको गारंटी नहीं है। आप अपना काम कीजिए, लोगों को काम पसंद आता है तो फिर आपको उसमें अर्निंग्स की भी दिक्कत है। आपने हमसे बात की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विमल जी के साथ साथ प्रमोद जी का और उनकी टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो रक्तगंध का हम भी इंतजार करेंगे, ग्वालियर वासी भी इंतजार करेंगे, और कहीं ना कहीं इस रक्तगंध के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, जो कि आज हमने समझने की कोशिश की। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की रिपोर्ट।